नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप सभी लोगों के पास भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बुरी न्यूज़ है। क्योंकि अब दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वाले क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पर दोस्तों बंद जो है वो किया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही लार्ज स्केल पर यहाँ पर बंद किया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आपने कौन सी ऐसी दो गलतियां नहीं करनी है? क्योंकि दोस्तों जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ये दो गलतियां कर रहे हैं, आगे चलकर उनकी क्रेडिट कार्ड्स बंद होना तय है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों जरूर पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। यहाँ पर दो रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड बंद हो सकते हैं। तो पहला जो रीजन है उसमें आपका क्रेडिट कार्ड बंद होगा, लेकिन उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड दोस्तों जो रीजन इसके बारे में क्रेडिट कार्ड बंद हो रहे हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपका क्रेडिट कार्ड उस वजह से बंद हुआ तो आप लोग कभी लाइफ में दोबारा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कभी भी नहीं ले पाएंगे, ना ही एक्सिस बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड कभी लाइफ में आप लोग ले पाएंगे। तो पहला दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन शॉट जो है दिख रहा होगा, मेरे एक फ्रेंड है दोस्तों, उनका यहां पर एक क्रेडिट कार्ड बंद हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा है एक्सिस बैंक, अ कम्युनिकेटेड अर्लियर योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर लिखा है, इज क्लोज्ड ड्यू टू प्रोलॉग्ड इनएक्टिविटी, इफ यू विश टू रीअप्लाई फॉर अ न्यू क्रेडिट कार्ड विद axisbank.com। यानी कि यहां पर इनको बोला गया है, आप जो है बहुत लंबे समय से अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उससे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, इसीलिए इनके क्रेडिट कार्ड को यहां पर बंद किया जा रहा है। तो बता दो, बैंक वालों ने उनसे यहां पर पहले भी कॉन्टेक्ट किया था कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए वरना बंद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उससे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करा। और अब चलकर दोस्तों इनका यहां पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां पर इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा, इस वजह से इनका क्रेडिट कार्ड यहां पर बंद हुआ था। लेकिन इस केस के अंदर दोस्तों आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड को फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिखा भी है, इफ यू विश टू रीअप्लाई फॉर अ न्यू क्रेडिट कार्ड विजिट axisbank.com, और यहां पर आप देख सकते हैं रीअप्लाई फॉर डिटेल्स। अब रीअप्लाई जो आप लोग करते हैं फिर से आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ वगैरह सब देना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड को दोस्तों इस्तेमाल कर लीजिए, 2-4-6 महीने में एक बार तो इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड बंद ना हो। अब सेकंड दोस्तों जो गलती है, जो कि दोस्तों मोस्टली यूजर्स आजकल करने लगे हैं जिनकी वजह से इनके क्रेडिट कार्ड बंद हो रहे हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बंद हो रहे हैं, 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों जो अच्छे यूजर हैं, जो कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी लिमिट को इंक्रीज भी किया जा रहा है, और जो कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनके कार्ड को बंद भी किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हैज बीन कैंसल्ड एंड कैशबैक अर्न्ड हैज बीन रिवोक्ड टू ड्यू टू कमर्शियल यूज, काइंडली पे एनी आउटस्टैंडिंग बाय द ड्यू डेट। यानी कि यहां पर दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने दोस्तों अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करा। यानी कि दोस्तों वो हर महीने, दोस्तों उनकी मोबाइल की शॉप है यहां पर, तो वो हर महीने अपनी शॉप के लिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से दोस्तों मोबाइल ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो उन्हीं बेनिफिट्स को बचाने के लिए यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने दोस्तों बार बार एक ही साइट से, फ्लिपकार्ट से बार बार फोन वगैरह मंगाए जा रहे थे। अब यहाँ पर बैंक वालों ने जब दोस्तों इनकी डिटेल चेक करी तो बैंक वालों ने देखा कि यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को डोमेस्टिक यूज नहीं बल्कि कमर्शियल यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दुकानदार हैं तो आप अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अपनी दुकान वगैरह के लिए सामान नहीं मंगा सकते हैं, और लार्ज स्केल पर तो बिल्कुल नहीं मंगा सकते। चलिए आपने दुकान के लिए मंगा भी लिया तो कभी 2-3 महीने में एक बार कोई प्रोडक्ट मंगा लिया तो चल जाता है, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल यूज कर रहे हो अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और ऐसे में दोस्तों जो भी आपको कैशबैक वगैरह मिला होगा, मान लीजिए कि कई लोग दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग ही कैशबैक के चक्कर में करते हैं ताकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से जो कैशबैक वगैरह मिलते हैं वो अर्न हो जाएगा, तो ऐसे में आपसे आपका कैशबैक भी दोस्तों वापसी ले लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा भी है कि योर कैशबैक इज रिवोक्ड, यानी कैशबैक जो है वापसी ले लिया है,
और आपको पूरा का पूरा जो एक्चुअल प्राइस था उस आइटम का, जो पूरा बिल था, आपको एक्चुअल प्राइस भी यहाँ पर भरना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसको यहाँ पर दोस्तों हमेशा के लिए बंद भी कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है कि योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन कैंसल्ड, क्रेडिट कार्ड कैंसिल ही कर दिया गया है। और आने वाले टाइम के अंदर कभी भी आप लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, और एक्सिस बैंक का कोई भी दोस्तों क्रेडिट कार्ड आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है इसके बाद, क्योंकि बैंक जो है वो मेन एक्सिस बैंक है, वो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कैंसिल करता है। तो ऐसे में दोस्तों ये अगर ये जो दो गलतियां मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोग ये दो गलतियां कर रहे हैं तो ऐसा करना आप लोग आज ही बंद कर दीजिए, वरना आप लोगों को भी बहुत पछतावा जो है वो होने वाला है। बाकी दोस्तों एक छोटी जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल मिल भी चुके हैं। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का, तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकता है आप लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।